शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स है। आज का रिवाइज कोर्स ये तो रोज कहने की बात नहीं, और इससे समझ में आता है मुरली सुनते जाओ तो दिन प्रतिदिन ज्ञान गुह्य है, ये अपने पास स्पष्ट होता जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, उसका ये पहला सबूत कि दिन प्रतिदिन ज्ञान गुह्य है। वो गुह्यता क्या है और बाप किन किन शब्दों में कहे अथवा जो महावाक्य माने जाए किन किन महावाक्यों से उन बातों को बता रहे हैं, जितना हम ऐसे इसी प्रकार से सुनेंगे तो वो सहज हमें धारणा बनती जाएंगी। आज तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और विशेष पवित्रता, रॉयल्टी और पर्सनालिटी की जननी है। पवित्रता ही बाबा कहते हैं तुम्हारे प्रत्यक्षता की जननी है, और प्रत्यक्षता का आधार हमारी रॉयल्टी और पर्सनालिटी पर। तो आज अव्यक्त बाप दादा 4 तारीख फरवरी मास और 75 साल। ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अनमोल मोती और अमूर्त शक्ति की प्राप्ति है। अमूर्त शक्ति नाम, ये अक्षर सुना है कभी? हाँ, बहुत कहेंगे या इसका प्रॉपर अर्थ इसे हिंदी का क्या है, हम तो पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं। ज्ञान को स्वयं में समाने से ही अमोल अनमोल मोती और अमूर्त शक्ति की प्राप्ति ऐसे कहें कि अपार शक्ति, ऐसे ही कहा जाएगा। अच्छा, सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं बाप दादा के महावाक्य शुरू होते हैं। ये तो मुरली के सार के अनुसार हेडिंग बना के लिखते हैं। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, हम आज सुनेंगे बाबा ने हम बच्चों को कितना ऊंचा टाइटल तो भले आज नहीं है पर कितनी ऊंचाई हमारी बताई है, जो तो बार बार सुनते हैं। बाबा कहते हैं देवताओं से भी ब्राह्मण ऊंचे हैं, और आज फिर किन बातों में ऊंचाई बताई है वो हम अपने पास नोट करेंगे। बाप दादा बोले, अव्यक्त बाप दादा बोले, सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चात्रक के समान है। चात्रक का काम क्या है? हाँ, चात्रक का स्वर गायन है, बरसात की बूंद को धारण करता है। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं इस समय चात्रक के समान है, जैसे सिप के लिए कहते हैं हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है। सिप ये एक छोटा समुद्र में रहने वाला एक जंतु है, पंछी कहें या जंतु कहें, जंतु छोटा तो नहीं परंतु पंछी भी कह सकते हैं। क्या कहें गुप्ता जी सिप को, क्या कहेंगे, कौन जानता है? अच्छा चलो, जैसे सिप के लिए कहते हैं हर बूंद को स्वयं में समाने से मोती बना देती है,
ऐसे ही आप सभी भी जो ज्ञान के बोल व महावाक्य सुनते हो और धारण करते हो, वह एक एक बोल क्या बन जाता है, आप भी उसे मोती बना देते हैं। और यहाँ एक एक बोल पद्मपति बनाने वाला बन जाता है, एक एक बोल अमूल्य तभी बनता है जब उसको धारण करते हो। जैसे चातक बूंद को धारण कर लेते हैं, वैसे ही आप भी इस ज्ञान को सुन करके स्वयं में समा लेते हो। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है, अपने पास जवाब निकालना। समाने का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है, ऐसे ही जो महावाक्य सुने समाए तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होगा, ऐसे ही हर संकल्प जो महावाक्य सुने उसके अनुकूल हर संकल्प हर बोल हर कर्म पदमों की जमा, पदमों की जमा करने का, कमाई कहें, पदमों की कमाई जमा करने का आधार बन जाता है। और वो आधार से क्या प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, नशा, उसकी नशा और खुशी चेहरे पे चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन होती वो अल्प काल की ही है, परंतु वो लौकिक में होती वो अल्प काल की ही है, परंतु ज्ञान के चात्रक के चेहरे पर खुशी की झलक सदा स्पष्ट दिखाई देती है। अपने दर्पण में तीसरे नेत्र के द्वारा अपनी ऐसी झलक को हर समय देखते हो, हर सेकंड के जमा का हिसाब चेक करते हो, जमा कितना होता है और घाटा कितना पड़ता है, ऐसा अपना स्पष्ट हिसाब रखने के अभ्यासी बने हो। विशेष समय निकाल कर हिसाब किताब देखते हो, अभी अभी कमाई अभी अभी गवाई, ये उतरा चढ़ाव अगर ज्यादा होगा तो सोचने देखने और करने का विशेष समय निकालना होगा। कितनी कमाई है और घाटा है ये देखने के लिए भी अधिक समय देना पड़ेगा, क्योंकि घाटा वाधा होता रहता है। अगर एक रस कमाई है, जमा ही होता जाता है, बार बार नुकसान की कोई बात नहीं है, अर्थात अगर खाता क्लियर है तो जिस समय भी चाहे एक सेकंड में अपना हिसाब निकाल सकते हैं, तो क्या रिजल्ट देखते हो। अभी तो अनेक आत्माओं के अनेक जन्मों की बनी हुई खाते, जिसको पाप कर्मों का खाता कहा जाता है, उसको भस्म करने वाले हो। अभी तो बाबा हमको देखो कितना ऊंचा टाइटल, अनेक जन्मों के अनेक आत्माओं के बने हुए खाते, जिसको पाप का खाता कहा जाता है, आप उसको भस्म करने वाले हो, तो स्वयं अपना ऐसा खाता बना नहीं सकते। ये तो पुराने खाते हैं, अब तो पुराने खाते समाप्त कर
नया जन्म नए खाते वाले बने हो, पुराने खाते सब खत्म हो रहे हैं ऐसा अनुभव होता है। अपने से पूछते रहना, नहीं तो नोट कर लेना ये क्वेश्चन, फिर दिनचर्या लिखने चार्ट लिखने में ये क्वेश्चंस मदद करेंगे। यदि पुराने खाते को पूर्ण रीत से चुक्त करने की युक्ति नहीं आती है, यदि पुराने खाते को पूर्ण चुक्त करने की युक्ति नहीं आती है, तो यह थोड़ा सा रहा हुआ खाता भी बार बार दिल को खाता रहेगा। आगे और यहां भी ये मिसाल, यहां भी यदि माया का कोई कर्ज होता है तो कर्जदार बार बार तंग करते हैं, ऐसे कर्ज को मर्ज कहा जाता है। ये तो सुना है ना, हमेशा ऐसे बोलते हैं, थोड़ा भी कर्ज है तो मर्ज के समान बार बार वो उभरता रहेगा। यहां भी अगर माया का कोई कर्ज पुराने खाते में रहा हुआ है, तब ही माया बार बार परेशान करती है। वह किसी न किस प्रकार से करती है परेशान, किसी न किसी मानसिक कर्ज के रूप में है। वह कर्ज चुक्त तो करना ही पड़ता है, तो अपने खाते को चेक करो, कोई रहा हुआ कर्ज चाहे संकल्प व संस्कार के रूप में चाहे स्वभाव के रूप में रहा हुआ तो नहीं है। जैसे शारीरिक रोग व कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित नहीं करने देता, कर्ज भी स्थूल जो बाबा पहले ने मिसाल बताया है, तो जैसे शारीरिक रोग अथवा कर्ज बुद्धि को एकाग्रचित करने नहीं देता है, न चाहते हुए भी अपने तरफ बार बार खींच लेता है, ऐसे ही ये मानसिक कर्ज का मर्ज बुद्धि योग को एकाग्र नहीं करने देता, बल्कि विघ्न रूप बन जाता है। अभी तो समय की समीपता की भी समीपता, समय के समापति की समीपता है, तो अपने ये सब हिसाब किताब चुकतु करो और समाप्त करो। हिसाब किताब करना आता है ना, मास्टर नॉलेजफुल हो ना। पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प किस रूप में आता है वो बाबा बता रहे हैं, पुराने खाते का कर्ज या तो व्यर्थ संकल्प विकल्प के रूप में होगा या कोई संस्कार व स्वभाव के रूप में होगा। इन बातों से चेक करो कि संकल्प एक ही है, याद भी तो एक को ही करना है, तो देखो अपने को एक को ही याद करते हैं अथवा एक को याद करना चाहते हैं और होता दूसरा है। अपने तरफ क्या खींचता है, क्यों खींचता है, वो जरूर कोई बोझ है जो अपने तरफ खींचता है। हल्की चीज कभी भी नीचे नहीं लाएंगी, वह चढ़ती कला में ही होंगी। किसी भी प्रकार का बोझ कितना भी ऊपर करना चाहे तो ऊपर नहीं जा सकेंगे, बल्कि नीचे ही आएंगे।
ऐसे ही सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा में संपर्क और सेवा में इन बातों को चेक करो। तीसरी बात, सेवा में भी प्लान और प्रैक्टिकल में, संकल्प और कर्म में अंतर क्यों? उस अंतर का कारण सोचेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि कोई न कोई कमी होने के कारण प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। सर्व शक्तियों में से किस विशेष शक्ति की कमी है ये अपने में देखो। जैसे योद्धा मैदान में सर्व शस्त्रधारी बनकर अगर नहीं जाते हैं तो समय पर किसी साधारण शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उन साधारण शस्त्र की कमी तो वह साधारण शस्त्र की कमी भी बहुत नुकसान कर देती है। यहाँ भी सर्व शक्तियों का समूह चाहिए, अर्थात सर्व शस्त्रधारी चाहिए। भले अपने बुद्धि से ही जज करते हो कि ये तो बड़ी साधारण बात है, समझो कोई भी भूल होती है या कुछ भी, तो अपने बुद्धि से जज करते हो ये तो बड़ी साधारण बात है, लेकिन वह साधारण बात ही समय पर बड़ा धोखा देती है। इसलिए टाइटल ही है तुम्हारा कौन सा टाइटल, मास्टर सर्वशक्तिमान। बाप सर्वशक्तिमान है और बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं। विजय का अर्थ ही है सर्व शस्त्रधारी। चेकिंग के साथ साथ चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? चेंज तब होंगे जब सर्व शक्तियां स्वयं में समाई होंगी, अर्थात नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल, दोनों का बैलेंस चाहिए। अगर नॉलेजफुल 75% और पावरफुल में 3-4 मार्क्स भी अगर कम है तो भी बैलेंस बराबर नहीं कहा जाएगा, परंतु बैलेंस बराबर चाहिए। नॉलेजफुल की रिजल्ट है प्लानिंग, पावरफुल की रिजल्ट है क्या कहेंगे, नॉलेजफुल की रिजल्ट है प्लानिंग और पावरफुल की रिजल्ट है प्रैक्टिकल, उस बात को अमल में लाना। नॉलेजफुल की रिजल्ट है संकल्प और पावरफुल की रिजल्ट है स्वरूप में लाना। दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनना, अर्थात संपूर्ण बनना। दोनों की नॉलेजफुल और पावरफुल, दोनों की समीपता और समानता ही दोनों का समान रूप बनाती है। योग में और सेवा में जितना समय स्वयं को बिजी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सत नहीं मिलेगी।
अगर सेवा और संयम के स्थिति को और फिर समय को भी बिजी रखेंगे, सेवा और समय जितना स्वयं को बिजी रखेंगे इन दोनों बातों में, ऑटोमेटिकली कर्जदार को आने की हिम्मत व फुर्सती नहीं मिलेगी। अच्छा।